नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक UPPCS में। दोस्तों, RO की मुख्य परीक्षा 17-18 फरवरी को प्रस्तावित है और इलाहाबाद हाईकोर्ट RO की परीक्षा भी फरवरी में ही प्रस्तावित है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा मंडी परिषद की परीक्षा भी मार्च में लगभग प्रस्तावित है। आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी या पूरी होने वाली होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी के 30 प्रश्नों को हल करेंगे। आप इसे टेस्ट समझ के हल कीजिएगा, जिससे आप अपनी तैयारी का स्वयं आकलन कर सकेंगे। RO मेंस में 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के आते हैं, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट RO में 20 प्रश्न हिंदी के आते हैं। और जितने प्रश्न आपके सही होंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में से प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर मिलेंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखते हैं, पहला प्रश्न है 141 है। निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यांशों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द बताना है, जो बीत चुका है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है वर्तमान, ऑप्शन नंबर बी है अतीत, ऑप्शन नंबर सी है भविष्य, ऑप्शन नंबर डी है जीर्ण। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी, अतीत होता है, जो बीत चुका हो उसके लिए एक शब्द। अगला प्रश्न देखते हैं 142 है। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे के लिए एक शब्द क्या होगा? ए है आत्म साक्षात्कार, बी है स्वानुभूत, सी है अनिवर्चनीय या ऑप्शन नंबर डी है रहस्य। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनिर्वचनीय होता है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, परंपरा से चली हुई बात या कथा को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन है रूढ़, बी प्रथा, सी अनुभूत या ऑप्शन नंबर डी है जो है अनुश्रुति। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो परंपरा से चली हुई बात होती है या कथा होती है उसे कहते हैं अनुश्रुति। आगे बढ़ते हैं 144 नंबर क्वेश्चन है, जो मद्यपान करने का आदि हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विषयी, बी है ऑप्शन आसक्त, सी है ऑप्शन मधुप या ऑप्शन नंबर डी है मद्यप। जो मद्यपान करने का आदि हो उसके लिए एक शब्द होता है मद्यप, ऑप्शन नंबर डी राइट है। आगे बढ़ते हैं, मन की और उनकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र को क्या कहते हैं? एक शब्द उसके लिए होगा, ऑप्शन है इसमें ए मनोविज्ञान, बी मनोवृत्ति, सी मनोनुकूल या ऑप्शन नंबर डी मनोभाव। तो उसके लिए एक शब्द है मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं, जो मोक्ष की कामना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन नंबर एक है मुमूर्ष, ऑप्शन नंबर बी है मुमुच्छ, ऑप्शन नंबर सी है मूर्छा या ऑप्शन नंबर डी है मृषा। तो इसका जो सही जवाब है जो मोक्ष की इच्छा रखता हो उसे कहते हैं मुमुच्छ। मुमूर्छा मतलब होता है जिसकी मृत्यु की इच्छा हो, उसे मुमूर्छ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए विपरीतार्थक शब्दों में के चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनना है, इसमें से विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 190 है, भौतिक का विलोम क्या होता है? आध्यात्मिक, रासायनिक, दैहिक या दैविक। तो भौतिक का सही विलोम होता है आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, मधु का जो है विलोम क्या होता है? मधु का खट्टा, विषैला, तिक्त या सीरा। मधु का जो होता है वो होता है सीरा, जो है विलोम होता है मधु का। खट्टा जो है मीठा का विलोम होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142 से मौजूद का जो है विलोम क्या होगा? ऑप्शन है इसमें अमौजूद, उनमौजूद, निमौजूद या गैर मौजूद। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, गैर मौजूद होता है मौजूद का सही विलोम। फिर देखते हैं, मौन का जो है विलोम क्या होता है? बहुभाषाविद, द्विभाषी, गायक या मुखर। तो मौन का सही विलोम होता है वो होता है मुखर। यश का विलोम क्या होता है? अपयश, बदनामी, कलंक या अपवर्ग। तो यश का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए, अपयश होता है। यथार्थ का विलोम क्या होता है? यथार्थ का विलोम आदर्श, कल्पित, असत्य या वास्तविक। तो यथार्थ का विलोम होता है कल्पित, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर 196 क्वेश्चन नंबर, हानि का जो है वो विलोम क्या होता है? लाभ, क्षरण, विकास या वृद्धि। तो हानि का जो विलोम होता है वो होता है लाभ। आगे बढ़ते हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? रागिनी अपने आप चली गई, रागिनी खुद से चली गई, रागिनी अपने से ही चली गई या रागिनी अपने आप
आपके आप चली गई। तो इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, रागिनी अपने आप चली गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 174, शुद्ध वाक्य को इसमें भी छाटना है। राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, राम को अनुत्तीर्ण होने का शक है, जंगल में प्रातःकाल के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, मेरे से मत पूछो। तो इसका जो 174 का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए, राम को अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। जंगल काल में प्रातः के समय बहुत सुहावना दृश्य होता है, प्रातः काल खुद एक समय होता है, तो समय का उपयोग यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मेरे से मत पूछो में होगा मुझसे मत पूछो, राम को अनुत्तीर्ण होने के शक नहीं होता है, शक किसी आदमी के ऊपर होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें से शुद्ध वाक्य को छाटना है। बंदूक एक बहुत उपयोगी अस्त्र है, यह मेरा पुस्तक है, इन्हें एक पुत्र है, भारत में अनेकों जातियाँ हैं। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन नंबर ए, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत है कि भारत में अनेकों जातियां हैं, अनेक वैसे बहुवचन होता है तो अनेकों का उपयोग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं, शुद्ध वाक्य छाटना है। वह सब भले लोग हैं, भीड़ में चार जयपुर के भी व्यक्ति थे, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है, या वह सारे गुप्त रहस्य प्रकट कर देगा। तो 176 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य ईश्वर की उत्कृष्टतम कृति है। रसोई शब्द का तत्सम बताना है, रुच्छता, रक्तिका, रसवी या रसवती। तो रसोई का शब्द का जो सही तत्सम होता है वो ऑप्शन नंबर डी, रसवती होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 देखते हैं, हल्दी शब्द का तत्सम बताना है, हरदी, हरिद्रा, हल्दिका या हरद्रिका। तो 178 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हल्दी शब्द का सही तत्सम होता है हरिद्रा। समझ शब्द का तत्सम बताना है, बोध, संबुद्धि, स्मरण या संस्मरण। तो समझ का जो सही तत्सम होता है वो है संबुद्धि, ऑप्शन नंबर सी सही है। 180 में देखते हैं, तद्भव शब्द को पहचानना है, गोमल, पर्यक, हरिद्रा और तीखा। तो इनमें से जो सही जवाब है 180 का तद्भव शब्द है वो है तीखा, तीखा का तत्सम होता है तीक्ष्ण। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, दंत, मृत्यु, मत्स्य या ऑप्शन नंबर डी, कंघा। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, कंघा जो है वो तद्भव शब्द है, बाकी और कोई तद्भव नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 157, ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना और फिर ज्योत्सना, इसमें से जो सही वर्तनी इसमें से किसकी लिखी गई है क्वेश्चन नंबर 157 में। तो इसकी जो सही वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सी, ज्योत्सना में ऐसे लिखा था, आधा जा या पर ओ की मात्रा, आधा ता, आधा शा और ना पर आग मात्रा, ये ज्योत्सना की सही वर्तनी है। फिर 158 में बताना है शुद्ध वर्तनी, आजीविका, अजीविका, आजीविका या आजीविका। तो इसमें से 158 में सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, आजीविका होता है। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है, पार्थ, चूर्ण, पूजनीय या अनुग्रहित। चरण नहीं होता है, चरण का चूर्ण होता है, पूजनीय में जा पूरा होना चाहिए, अनुग्रहित में गा में रा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 159 का, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें वो ग्रहित सही है, पार्थ नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 160 के, शुद्ध वर्तनी है इच्छा, इच्छा, इच्छा या इच्छा। तो इसमें से 160 में सही वर्तनी जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, इच्छा होती है। फिर आगे बढ़ते हैं, शुद्ध वर्तनी बतानी है 161 में, इनकार, इनकार, इनकार व इनकार। तो 161 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनकार में आधा ना होता है, तो वो सही है, छोटी ही आधा ना का पराग मंत्रा और रा इनकार, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताने हैं। कानून के रूप में दिया के कानूनी रूप, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया मसौदा, इसके लिए एक शब्द क्या, अधिनियम, अधिसूचना, विधेयक या उद्घोषणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विधेयक कहते हैं इसे, जो कानूनी रूप से कि प्रस्तुत किया गया मसौदा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 166 देखते हैं, 100 वर्ष से अधिक का समय, उसके लिए एक शब्द क्या है, इसके लिए एक शब्द होता है शताब्दी। फिर क्वेश्चन नंबर 167 देखते हैं, मर जाने की इच्छा, अवसाद, हतोत्साहित, मुमूर्षा या मर्माहत। तो मर जाने की इच्छा के लिए एक शब्द होता है मुमूर्षा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।